न्यूक्लिक एसिड्स एसड्स आर एन ए फर्स्ट दैमिकल कंपोजिशन ऑफ आर एन ए स्ट्रक्चर ऑफ आर एन ए टाइप्स ऑफ आर एन एंड रोल ऑफ आर एन ए इन द सेल फर्स्ट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ आर एन ए स्टूडेंट्स अगर हम आर एन ए की बात करें तो आर एन ए को इट इज एब्रीविएशन फुल नेम इसका जो राइबो न्यूक्लिक एसिड्स एसड्स हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर एन ए को चार तरह के न्यूक्लियोटाइड जो बना रहे हैं दैट इज़ द ए टी पी जी टी पी सी टी पी एंड द टी टी पी यानी ए टी पी फॉर ए टी पी जो हमारे पास एडिनोसिन से निकला तो एडिनोसिन ट्राईफासफेट जी टी पी से गुआनोसिन ट्राईफासफेट सी टी पी से साइटिडिन ट्राईफासफेट एंड यू टी पी से यूरिडिन ट्राई फास्फेट्स अच्छा अवेलेबल न्यूक्लियोटाइड ही फोर हैं क्योंकि जो निक्लोटाइड्स हैं जैसा डी एन ए में चार तरह के निक्लोटाइड्स पाए जाते हैं सेम आर एन ए में भी चार तरह के न्यक्लोटाइड्स पाए जाते हैं डिफ्रेंस ये है कि डी एन ए में जो एक निक्लोटाइड है वो थाइमीन का है यानी कि थाइमेडीन ट्राईफासफेट होता है जो बनाता है इसको या थाइमिन निक्लोटाइड इसको बोलते हैं आर एन ए के अंदर थाइमेडीन की जगह या थाइमीन की जगह है होता है तो इसलिए आर एन ए का जो न्यूक्लोटाइड होगा वो थाइमेडी नहीं है बल्कि यूरोसिल यूरोडी होगा इसलिए डी एन ए और आर एन ए के सीक्वेंस को अगर कंपेयर करें एक आर का सीक्वेंस है एक डी एन ए का सिक्वेंस है दोनों अगर बिल्कुल सेम है तो सिर्फ जहाँ टी आएगा डी में वहाँ आर में ए आएगा सॉरी आर एन के अंदर वो यू आएगा तो दिस इज शोइंग जहां हमारे पास थाइमिन है उसकी जगह यूरासिल को अगर रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आरएनए का मालिक्यूल बन जाता है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए आरएनए इन कंपेयर टू डीएनए इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड मालिक्यूल डीएनए डबल स्टैंडर्ड मालिक्यूल है जबकि उसके मुकाबले आरएनए एन ए जो वो सिंगल स्टैंडर्ड मालिक्यूल है तो ये भी बेसिकली पोली न्यूक्लियोटाइड चेन है यानी कि आर जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो मिलकर एक लंबी चेन बनाते हैं जिसको हम पोली न्यूक्लियोटाइड चेन कहते हैं अब जो सिंगल स्टैंडर्ड पोली न्यूक्लियोटाइड चेन है तो लिहाजा इसकी स्टेबिलिटी डी एन ए से कम होगी तो डी एन ए ज़्यादा स्टेबल होता है आर एन ए जो होता वो है वो रिलेटिवली लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू डी एन ए इंटरेस्टिंगली अगर हम आर एन ए को देखें तो आर एन ए का मालिक्यूल ओरिजिनली सिंगल स्टैंडर्ड होता है लेकिन आपने आपको स्टेबल करने के लिए खुद से ही जहाँ इसके डिफरेंट अपने दोनों कम्प्लीमेंट्री बेसिस को आमने सामने लाकर एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाता है यानी यूँ समझे कि अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट स्टैंड मौजूद है आई आर एन ए का मालिक्यूल है तो ये किसमें से जो कम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगे वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और आकर एक डबल स्टैंडर्ड जो है वो स्ट्रक्चर बना देते हैं डबल स्टैंडर्ड मालिक्यूल बनाता है यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें सेल्फ कम्पली इसको कहते हैं सेल्फ कम्प्लीमेंट्री रीजनस तो आपस में ही क्या किया कम्प्लीमेंट्री कि आमने सामने बेसिस सामने आए हैं एंड दे फार्म आर डबल स्टैंडर्ड मालिक्यूल लाइक डी एन ए लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये होता है कि बहुत सारे रीजनज ऐसे होते हैं जहाँ डी एन ए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं तो जहाँ डी एन ए के न्यूक्लियोटाइड कम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं वहाँ एक लूप बनता है जैसे यहाँ अगर आप इसको इस पार्ट को देखें तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये कम्प्लीमेंट्री नहीं हैं तो ये एक क्या करते हैं एक लूप या एक दायरे की शक्ल जो है वो बना रहे हैं तो इससे आर एन ए का जो मेन स्ट्रक्चर है वो लीनियर है लेकिन जो सेकेंडरी इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा कि इसके जब सेल्फ कम्पलीमेंटेशन होगा डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा ये टाइप्स ऑफ आर एन ए सेल के अंदर थ्री मेजर टाइप्स हैं आर एन ए के वैसे तो काफ़ी ज्यादा हैं वो आप अगले जैसे ऐसे सेमेस्टर में जाएंगे यू विल स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस वन लेकिन थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ आर एन ए जो हमारे पास हैं दे आर दी राइबोसोमल आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए एंड द मैसेंजर आर एन ए रोल इन द सेल आर एन ए मालिक्यूल्स दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल अगर हम इसमें सिंपल देखें जो तीन तरह के हमारे पास आर एन ए मालिक्यूल्स हैं दैट इज द राइबोसोमल आर एन ए रबोसोमोल आर एन ए मेस था राइबोसोम्स और राइबोसोम्स आप सबको पता है कि ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसी तरह से ट्रांसफर आर एन एस ट्रांसफर आर एन ए सेल के अंदर से एसिड को पकड़ बढ़कर राइबोसोम्स के पास लाएंगे और राइबोसोम फिर उन एसिड को जोड़कर एक प्रोटीन की चेन बना देता है प्रोटीन मालिक्यूल बनाता है तो इसम इट मीन्स कि ट्रांसफर आर एन एस दे ब्रिंग एसिड्स फ्राम साइटोप्लाज्म टू द राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इसी तरह से जो मैसेंजर आर एन ए है मैसेंजर आर एन ए डी एन ए के पास मौजूद इंफॉर्मेशन को लेकर आता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में फिर उसी इन्फॉमेसन के अकॉर्डिंगली प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाएगा तो आर एन ए बेसिकली जो मैसेंजर आर रहे हैं इट ब्रिंग द इन्फॉर्मेशन फ्राम डी एन ए टू द प्लाज और फिर उन इनफॉर्मेशन को राइबोसोम रीड करता है और प्रोटीन मालिक्यूल्स सेंथिसाइज होते हैं सिमिलरली आर एन ए का एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि बहुत सारे हमारे पास जो वायरसेज हैं दे आर जेनेटिक मटीरियल द आर एन ए मीन्स उनके पास डी एन ए है ही नहीं है जैसे आपके पास एच आई वी का वायरस है एच आई वी का वायरस जो है इसका जिनोम जो है बेसिकली आर एन ए वायरस है ये इससे बहुत सारे और वायरसे जिनका जिनोम जो है वो आर एन ए का बना होता है